मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी सरकार अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है और प्राइवेट अस्पतालों ने लूट कसोट मचा रखी है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट एक एक हफ्ते तक नहीं आ रही है और अब सरकार ने कोरोना के आंकड़े भी छुपाना शुरू कर दिए हैं। ये आरोप पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरकार पर लगाए। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्राजील और यूरोप से संक्रमण फैलने में बहुत पीछे है, लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया में नंबर एक पे हो गया है हिंदुस्तान संक्रमण काउंट में। और कल जो फिगर आया वो 1 लाख क्रॉस कर दिया है। स्थिति बद से बदतर है। स्थिति ये है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्टिंग बराबर हो नहीं रही है। RT-PCR की जो टेस्टिंग होती है उसका एक एक हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आता, और जो रैपिड वाली होती है उसमें आदमी को पता लग जाता है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। वो वेट करता रहता है कि आगे हुआ क्या। मैंने और हमारे परिवार ने 6 दिन पहले टेस्ट कराया था, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। मेरा खुद का मामला बता रहा हूँ। आज जितने अस्पताल हैं प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। कमलनाथ जी ने कई चीज़ें लिखी कि दवाएं मिल नहीं रही, इंजेक्शन मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। हम केवल कर रहे हैं या तो कर्फ्यू लगा रहे हैं या लॉकडाउन लगा रहे हैं, और कर्फ्यू में भी है कि शराब की दुकानें खुली रहती हैं, बाकी दुकानों को बंद कर दिया जाता है, लोगों के काम धंधे सब बंद हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैकेज है 1.5-1.5 लाख के, 2-2 लाख के, पहले जमा करो, चेक नहीं चलेगा। आयुष्मान कार्ड पे कोई इलाज इसमें हो नहीं रहा है। भोपाल से MSTV के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।